आई थिंक हमारे कंज्यूमर ने ये बात समझ ली है कि अपने फैमिली को का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक एक छत, एक प्रॉपर्टी, यू नो, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं तो रोटी कपड़ा तो अरेंज हो जाता है, मकान अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो एक हमने अच्छा ट्रेंड देखा है पिछले कोविड के बाद से कि रिक्वायरमेंट और जेन्युइन रिक्वायरमेंट, खैर हमारे हमारे सेगमेंट में इन्वेस्टर तो होते नहीं है, बट एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ती जा रही है। भले एक रूम का घर बनाए बट वो घर बनाना चाहते हैं, छत बनाना चाहते हैं। तो फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव अगर हम अपने नंबर की मैं बात करूं तो पिछले दो साल में मेरा डिस्बर्समेंट ग्रोथ करीब। हेलो एंड वेलकम टू कोटक चैट रूम, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। ब्लैकस्टोन बैक्ड आधार हाउसिंग फाइनेंस का 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ 8 मई से ओपन होने वाला है। इस आईपीओ की डिटेल्स एंड पोस्ट आईपीओ कंपनी के प्लान समझने के लिए हमारे साथ कोटक चैट रूम में कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ऋषि आनंद ने ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ऋषि जी, ग्रेट टू हैव यू ऑन कोटक चैट रूम। ऋषि जी, सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री एंड जर्नी को समझना चाहते हैं। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में अगर आपको बता दूं, 2010 में आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने हमारे अर्स्टवाइल प्रमोटर्स को अप्रोच किया टू स्टार्ट अ न्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। पर्पस ये था न्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कि ये एक ऐसी कंपनी बने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप को केटर करे। उस टाइम पे ऐसी कोई भी कंपनी इंडिया बनी थी जो इस सेगमेंट को केटर करती थी स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली। इस तरह से ये कंपनी स्टार्ट हुई। आईएफसी ने 20% स्टेक लिया कंपनी में, प्रमोटर ग्रुप ने 80% स्टेक लिया। नाउ बिकॉज एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस था इस कंपनी का और एक सोशल फैब्रिक अटैच था कंपनी के साथ, इसीलिए हमको आईएफसी ने मैंडेट किया कि पहले 5 साल ऑफ ऑपरेशन में आप बैकवर्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री और लो इनकम स्टेट्स ऑफ द कंट्री से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हेंस वी स्टार्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मूव्ड ऑन टू झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। पोस्ट द 5-year मैंडेट जब खत्म हुआ तो हमको अलाउ किया गया कि आप बड़े स्टेट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं, और बाय 2016-17 हम इंडिया के सारे स्टेट्स में प्रेजेंट हो गए। सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। एंड इन 2019, यू आर अवेयर, इन 2018-19 द एनबीएफसी क्राइसिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच द कंपनी वॉज पुट अप फॉर सेल। एंड इवेंचुअली इन 2019 जून ब्लैकस्टोन ग्रुप एक्वायर्ड दिस कंपनी, पोस्ट विच देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एट द कंपनी रिकॉर्ड्स। सर, आईपीओ में फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 1000 करोड़ रुपीज रेज करने वाली है, किस तरह से इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा? 750 करोड़ रुपीज लेंडिंग के लिए देने की बात कही जा रही है, तो इससे लेंडिंग ग्रोथ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे आपने ठीक बताया कि करीब करीब आउट ऑफ द 1000 करोड़ जो प्राइमरी हम रेस कर रहे हैं, 250 करोड़ के करीब तो हम कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। 750 करोड़ रुपया हम लेंडिंग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करेंगे जो इवेंचुअली लेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हैं तो आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में हम 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अवेलेबल थे, इंडिया के हर स्टेट और हर शहर में हम आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब कंपनी का विजन ये है कि Tier 4, Tier 5 लोकेशंस जो होती हैं, जो कि हिंटरलैंड बोलते हैं या इंटीरियर लोकेशंस बोलते हैं एक स्टेट के, उनमें कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। उस पर्पस के लिए, उस एक्सपेंशन के लिए अगले 4 से 5 साल के लिए हम ये प्राइमरी इशू रेज कर रहे हैं। ऋषि जी, ब्लैकस्टोन 98.7% स्टेक होल्ड करती है फिलहाल कंपनी में, 1.8% स्टेक आईसीआईसीआई बैंक के पास है। आफ्टर ऑफर फॉर सेल ब्लैकस्टोन स्टेक विल कम डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 15%, फिर इसके बाद कंपनी का क्या प्लान रहने वाला है? जी, जैसे आपने बताया, आज के डेट में ब्लैकस्टोन 98.7% होल्ड कर रहा है, और इस इशू के बाद, क्योंकि ओएफएस जो हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल में, ब्लैकस्टोन 2000 करोड़ का ऑफर लाया है, 2000 करोड़ जाएगा ओएफएस में और 1000 करोड़ प्राइमरी। इस ओएफएस के बाद ब्लैकस्टोन की जो शेयर होल्डिंग है वो गिर के 76% आ जाएगी, फिर भी वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहेंगे एज वी मूव अहेड। और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ द आईपीओ, बिकॉज ऑफ द करंट शेयर होल्डर जो बेच रहे हैं अपना 2000 करोड़, इसके वजह से स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं रहेगी। स्ट्रैटेजी हमारी 14 साल से सिंपल वही रही है कि हम ईडब्ल्यूएस एलआईजी फोकस्ड कंपनी है, हम लार्जेस्ट कंपनी रहना चाहते हैं। अभी तक हम लार्जेस्ट कंपनी हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम लार्जेस्ट कंपनी रहना चाहते हैं। हम अपने कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में 3 से 5 साल हमेशा आगे रहे हैं और 3 से 5 साल आगे रहना चाहते हैं। जब हम अपने सेगमेंट की बात करते हैं और फोकस की बात करते हैं, तो आज की डेट में भी 14 साल के बाद भी हमारा 74% ऑफ अवर AUM
इज इन EWS LIG, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप होते हैं, 74% मेरा पोर्टफोलियो उसी ग्रुप में है और हम इसी स्ट्रेटेजी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, सो करंट टिकट साइज क्या है और किन वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 स्टेट्स में हम अवेलेबल है। टोटल आज की डेट में हमारी 400 and close to 500 ब्रांचेस है, टू बी प्रिसाइज 487 ब्रांचेस है अक्रॉस लेंथ और ब्रेथ ऑफ कंट्री में। हर स्टेट में हम अवेलेबल हैं। हम खाली टीयर वन टीयर टू में नहीं है, वो एक मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आज की डेट में भी हम टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री में अवेलेबल है। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में हम 64 ब्रांचेज है हमारी, तो यू नो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ उत्तर प्रदेश हम अवेलेबल है। राजस्थान में हमारी क्लोज टू 50 ब्रांचेज हैं। हर स्टेट में हम डीपली पेनिट्रेटेड हैं। बट जब हम डीप की बात करते हैं और टीयर्स की बात करते हैं, तो पोटेंशियल उसके बियॉन्ड भी होता है। यू नो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तालुकाज होते हैं, जिसमें कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की, और जहां मोस्ट ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पहुंचते नहीं है। तो हमारे एज वी मूव अहेड इन टर्म्स ऑफ आवर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ये हमारी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी रहेगी। आपका एक क्वेश्चन था कि किस टीयर में आपको ज्यादा डिमांड आ रहा है। हमें इसको बड़े डिफरेंट तरीके से आधार देखता है। जो हमारे बड़े शहर होते हैं, जो हम जो मेट्रो लोकेशन बोलते हैं, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इस तरह की जो बड़ी लोकेशन होती है, वहाँ पे हमको वॉल्यूम डिमांड आता है। मतलब जो टिकट साइज होता है थोड़ा हाई होता है। जो छोटी लोकेशन होती हैं, टीयर थ्री टीयर फोर टीयर फाइव लोकेशन होती हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लोन थोड़ी सी छोटी होती है। इसकी वजह से ही हम कंपनी लेवल पे आज की बुक लेवल पे, अगर कंपनी के बुक की बात करें जो कि 20,000 करोड़ है, इस 20,000 करोड़ का एवरेज टिकट साइज 10 लाख रुपए है। और इंक्रीमेंटल बात करें, मतलब आज की रेट में जो मैं डिसबर्समेंट कर रहा हूं, तो उसका एवरेज टिकट साइज 13 लाख रुपए है। सो दैट इज माय सेगमेंट दैट आई केटर टू। बट डिजिटल ग्रोथ की अगर हम बात करें, ऑनलाइन प्रेजेंस आपका कैसा बढ़ा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको, स्पेशली अगर हम टीयर 3 टीयर 4 सिटीज की बात करें तो? मैं इसको बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूंगा। अगर आप हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें, तो डिजिटल इंटरफेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंज्यूमर बहुत अवेयर हो गए हैं, द कंपनीज बहुत अवेयर हो गई हैं। तो लेकिन आधार जिस तरह से देखता है, इसको सेगमेंट वाइज देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम HNI कस्टमर की बात करते हैं, LMI कस्टमर की बात करते हैं, तो डिजिटल इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब हम आधार जैसी कंपनी जो कि लो इनकम सेगमेंट में डील करती है, तो हम डिजिटल को बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक डिजिटल एक्टिविटी तो ये है कि इंटरनली आप क्या कर रहे हैं, और एक डिजिटल इंटरफेस ये होगा कि एक्सटर्नली आप क्या कर रहे हैं। तो इंटरनली तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2021-22 में वर्ल्ड के बड़े लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ टाई अप किया, विच इज TCS, और TCS के साथ हमने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया एंड टू एंड टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द कस्टमर। अगर मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हम ऑनबोर्डिंग जो बोलते हैं कि कस्टमर अप्लाई करे लोन के लिए, तो हम 40 मिनट में ऑनबोर्डिंग कर लेते हैं, और ये प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन होता है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होता है। लेकिन जब हम बाहर की बात करते हैं, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पूरे स्कीम ऑफ थिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम अपने अपने बड़े लोकेशंस की बात करते हैं, तो हमारा कंज्यूमर बहुत अवेयर है, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है। उसकी वजह से हमने कस्टमर पोर्टल्स बनाए हैं, डू इट योर सेल्फ का पोर्टल बनाया है, कस्टमर खुद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 हिंटरलैंड की बात करते हैं, छोटे तालुका की बात करते हैं, तो आज भी हमारा कंज्यूमर जो EWS LIG कंज्यूमर है, उसको एक कंफर्ट तब आता है जब वो एक ब्रांच में वॉक इन करके उस ब्रांच का सेटअप देखता है, उस ब्रांच में आज भी वो फिजिकली पेपर के थ्रू अप्लाई करना चाहता है। तो आई थिंक एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बिटवीन लार्जर लोकेशंस एंड स्मॉलर लोकेशंस। कंज्यूमर हमारा लार्ज लोकेशन हो या स्मॉल लोकेशन हो, इज मोर लेस द सेम कंज्यूमर। इट इज जस्ट दैट बड़े लोकेशंस में दे आर मोर अवेयर एंड स्मॉलर लोकेशंस में दे आर लेस अवेयर। बट आधार एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है, हम एक एजुकेशन सीरीज रन करते हैं अंडर अवर CSR प्रोग्राम फॉर द कंज्यूमर टू मेक हिम टेक एनेबल्ड। उनको हम उनको हम एक जर्नी के थ्रू लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कस्टमर पोर्टल लॉन्च किया है, जो कस्टमर को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की ज़रूरत है, तो जब कंज्यूमर हमारे ब्रांच में वॉक इन करता है, तो हम उनको वो ऐप डाउनलोड करके देते हैं और उनको हम बैठ के वहाँ सिखाते हैं कि सर आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। So this is what we are doing currently.
सर, हाउसिंग सेगमेंट में आपको किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है पोस्ट कोविड? किस तरह का ट्रेंड यहाँ सेटअप होता हुआ नजर आ रहा है? मैम, आपने एक बड़ा अच्छा फेज उठाया है जो आपने कोविड वर्ड यूज किया है। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, मैं अभी एचएनआई इंडस्ट्री की पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट एलएमआई और जो हमारी इंडस्ट्री है जिसको हम लो इनकम इंडस्ट्री कहते हैं, कोविड के बाद इसमें एक अच्छा बड़ा डिमांड सर्ज देखने को मिला है। और इसको स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, हमारे सेगमेंट में अगर मैं इसको लिंक करना चाहूँ, हमने भी बहुत रिसर्च किया कि ये सडनली डिमांड क्यों बढ़ी है और बढ़ रही है। तो ये लिंकेज वापस निकलता है दो तीन चीज़ों से। एक तो ये कि हमारा कस्टमर जो होता है प्रॉपर्टी को लेकर बहुत इमोशनल होता है। ये एक बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू की चीज़ है हमारे कंज्यूमर के लिए, बिकॉज वो लाइफ में एक ही मकान बना पाता है या बनाता है, और उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है बहुत हाई होती है। कोविड के दौरान हम सब ने एक लाइफ में ऐसा फेज देखा जहाँ की ये असर्टेनिटी नहीं थी कि हम कल सुबह देखेंगे कि नहीं। तो एक इंडियन कल्चर में और हमारी अपब्रिंगिंग में ये होता है कि अपने फैमिली को आप सिक्योर करें। आई थिंक हमारे कंज्यूमर ने ये बात समझ ली है कि अपने फैमिली को आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक छत, एक प्रॉपर्टी, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, तो रोटी कपड़ा तो अरेंज हो जाता है, मकान अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो एक हमने अच्छा ट्रेंड देखा है पिछले कोविड के बाद से कि रिक्वायरमेंट और जेन्युइन रिक्वायरमेंट, खैर हमारे सेगमेंट में इन्वेस्टर तो होते नहीं है, बट एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ती जा रही है। भले एक रूम का घर बनाए बट वो घर बनाना चाहते हैं, छत बनाना चाहते हैं। तो फ्रॉम अ डिमांड परस्पेक्टिव अगर हम अपने नंबर की मैं बात करूं तो पिछले दो साल में मेरा डिसबर्समेंट ग्रोथ करीब 25% के आसपास रहा है। मेरा AUM ग्रोथ भी सिमिलरली मोर लेस सेम रेंज में रहा है, 20-25% के बीच में। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ रहा है, पिछले साल मैंने मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली 91-92 ब्रांचेस लॉन्च करी थी। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट्स का इंटरलिंकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और भी एम्प्लॉयमेंट में है। सो फ्रॉम अ ग्रोथ परस्पेक्टिव इट इज एक बहुत बढ़िया टाइम है हमारी इंडस्ट्री के लिए, पूरे हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। Now let's talk about finances. FY24 के 9 months को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका AUM बढ़कर 20% पर पहुंच गया है, लेकिन FY23 में ये 16% तक का था। तो AUM में जो बढ़त हुई है, इसके पीछे क्या reasons हैं? जी, मैं आपको इसमें यहाँ पे पहले ये clarify करना चाहूंगा, जो आपने FY23 की बात करी 16% की, तो एक्चुअली उसको द वे वी लुक एट इट और वी शुड लुक एट इट, हुआ क्या था, मैंने बीच में अगर याद हो मैंने एक टॉपिक टच किया था CLSS PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम को बंद किया गया था मार्च 22 में। ये पुरानी स्कीम चल रही थी जहाँ पे कि कंज्यूमर को 2.6 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है अगर वो होम लोन लेते हैं तो, घर बनाते हैं तो। हुआ क्या, 2022 में ये स्कीम बंद हो गई। ऑन एन एवरेज आधार हाउसिंग फाइनेंस, एक तो मैं ये बता दूं कि आधार हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी स्कीम में अपने सेगमेंट में एक लीडिंग प्लेयर रहा है। टोटल 2200 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हमने कंज्यूमर्स को दी है। अब मार्च 22 में जब ये स्कीम बंद हुई, ऑन एन एवरेज हम 100 करोड़ रुपए साल का इस सब्सिडी में मिलता था। जब ये स्कीम बंद हुई तो हमको उस साल 750 करोड़ रुपए की जो पेंडिंग सब्सिडी थी सारी एक साथ मिल गई, विच मीन्स एडिशनल ऑफ 500 करोड़। ये 500 करोड़ की वजह से हमारा AUM उतना ग्रो नहीं किया, बिकॉज जब ये सब्सिडी आती है तो आपका AUM गिर जाता है, बिकॉज ये सब्सिडी डायरेक्टली कंज्यूमर के लोन अकाउंट में जाती है, वो मैकेनिज्म होता है इसका सब्सिडी का। बिकॉज ऑफ दिस 500 करोड़ एडिशनल हमारा AUM उतना नहीं पड़ा। अगर उसको मैं एडजस्ट करता हूँ तो हमारा AUM उस साल भी 22% का ग्रोथ है, उसके बाद के साल में भी हमारा 22% का ग्रोथ है। तो ये नहीं है कि सडनली बढ़ा है, आई थिंक डिमांड हमेशा से रहा है, और ये दिस इज हाउ द लास्ट 2 years हैव बीन फेड, और हम मोर ऑर लेस सिमिलर ट्रेंड देख रहे हैं as we move ahead also. ऋषि जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, आपकी कंपनी को अगर पीयर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आपका बिजनेस किस तरह से आप देखते हैं, क्या USP है आपकी कंपनी की? मैम, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट USP है जो हमारी रीच है कंज्यूमर को, अगर हम बोलते हैं कि हम 20 states और यूनियन टेरिटरी में आज अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 500 हमारी ब्रांचेस हैं, हमारा क्लोजेस्ट पीयर ग्रुप 13 states में अवेलेबल है, और किसी को भी 13-20 states में आने में कम से कम 3-5 साल लग जाते हैं, बिकॉज हमारा फॉर अस हर स्टेट अलग स्टेट होता है, हर स्टेट का प्रॉपर्टी मैकेनिज्म अलग होता है, हर स्टेट का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है, हर स्टेट का कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है। तो किसी को भी 13-20 states में आने में 3-5 साल लग जाएंगे, तो हम उसमें उन सब में बहुत आगे हैं। हमारा AUM जो है वो लार्जेस्ट है, करीब करीब 20,000 करोड़ है। हमारा डिसबर्समेंट, इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट
एज ऑफ दिसंबर 9 months 5,000 crore है. हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% है, हमारा रिटर्न ऑन एसेट 4.2% है. तो हर पैरामीटर में हम कंपटीशन से आगे हैं, और जिस तरह से कंपनी की मैनेजमेंट है प्लस जिस तरह से कंपनी का करंट प्रमोटर है जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है, जो कि वो बहुत सपोर्टिव और स्ट्रॉन्ग यू नो बैकबोन है हमारे लिए, जिस तरह से वो हमारे साथ कंप्लीटली अलाइंड है और चाहते हैं कि ये सेगमेंट को आगे लेके जाए, तो इन्वेस्टर के लिए आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. प्लस फॉर द कंज्यूमर, अगर आप हमारा लोगो पूरा ध्यान से अगर देखें तो एक लोगो में नीचे एक पंचलाइन आता है, घर बनेगा तो देश बनेगा. अब जब ये हम जिसका बहुत एक डीप मीनिंग है कि यू नो एक इंडिविजुअल जो हमारे सेगमेंट में अगर अपना घर बनाता है उसको स्टेबिलिटी आती है, वो यू नो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देता है, तो वो जाके अपने अपने एम्प्लॉयमेंट में अपने काम में और फोकस कर पाता है. दिस इज हाउ द यू नो द नेशन विल डेवलप. फिलॉसफी यही है आज भी हमारी की हर एक इंडिविजुअल का घर बनेगा इवेंचुअली इट विल बी अ बेनिफिशियल टू द नेशन. दैट्स व्हाई घर बनेगा तो देश बनेगा. तो बोथ फॉर कंज्यूमर के लिए और इन्वेस्टर के लिए आई थिंक ये राइट अपॉर्चुनिटी है. प्लस जो प्राइस बैंड हमने निकाला है 300 रुपए से लेकर 315 रुपए का, ये प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है. मतलब अब सारे एनालिस्ट जानते हैं, आप भी जानते हो कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है. हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि, और हमारे बैंकर्स ने भी ये सजेस्ट किया, हमारे प्रमोटर्स ने भी ये सजेस्ट किया कि जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए टेबल पे हमेशा कुछ छोड़ना चाहिए. आई थिंक उस फिलॉसफी से हम आगे आए हैं. और 8th को हमारा इशू खुल रहा है, 10th को बंद हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से ये अपने इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करूंगा आएं और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें. Thank you so much, sir, for joining with us. Thank you so much. Have a great day. Thank you. You too, sir. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.